हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रमन टेक्निकल स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जितने भी साथी रेलवे वेटिंग में हैं उन लोगों की, जो 2018 की बहाली में अभी तक निकालने के बावजूद फंसे हुए हैं, उनका वेटिंग क्लियर ही नहीं हो रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों से जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों का नंबर आएगा, इस बार हम लोगों का नंबर आएगा, लेकिन शायद हम लोगों की बातें सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उन्हीं बातों को पहुंचाने के लिए पिछले बार भी न जाने कितनी बार हमारे जितने भी वेटिंग भाई हैं, जैसे हमारे दोस्त है आदेश भाई, उनके वीडियो से बहुत मैं मोटिवेट भी होता हूँ, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। संजय घोप जी, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग वेटिंग के स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को फिर एक बार एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हमारे हक में जो है वो हमें नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके नहीं देना चाहते हैं आप जॉब, तो करवाते ही क्यों हैं एग्ज़ाम? क्यों करवाते हैं एग्ज़ाम? आपने CVT 1 करवाया, हमने क्लियर किया। आपने CVT 2 करवाया, हमने क्लियर किया। आपने मेडिकल करवाया, हमने वो भी क्लियर किया। इसके बावजूद हम लोग वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए हैं। तो इन्हीं सारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे जितने भी वेटिंग साथी हैं सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं। मुझे भी जानकारी मिली है कि 4 मई को हमारे राजधानी पटना में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये प्रोटेस्ट हिंसात्मक नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से होगा। हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे और शांति के द्वारा अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे नियम अनुसार, ताकि हम हिंसात्मक न हो जाएं, उग्र रूप न धारण कर लें। इसीलिए हम लोग शांति से विचार विमर्श करके किस तरह क्या करना है, ये सभी बातों को वहां पर हम लोग रखेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी वेटिंग लिस्ट के भाई हैं सभी पटना अवश्य आए, क्योंकि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, अब नहीं तो कब? हमने बहुत इंतज़ार कर लिया। वेटिंग लिस्ट के भाइयों का दर्द क्या होता है वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी वेटिंग लिस्ट का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, घर से निकलना दुभर हो जाता है वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को। अब निकले, कोई पूछा कि क्या मतलब क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बहुत खलती है अपने आप में। कि अगर इतना दिन हम कोई काम सीख रहे होते तो अभी हम लोग कमा रहे होते, लेकिन बात वो नहीं है। बात है उम्मीदें, सपने, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, जो लगभग लगभग सभी विद्यार्थी सोचते हैं और उस पर अपना 100% देते भी हैं। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि पिछले बार जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, हम अपने बातों को सरकार के सामने रखे, कुछ बातें वहां तक पहुंची भी, संसद में हमारा मुद्दा भी उठा कि मेडिकल फिट को जॉब दो। दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने भी दिन रात एक की है। मैं सभी वेटिंग लिस्ट के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग 4 मई को अवश्य पटना आए। दोस्तों, 4 मई को आना ही होगा। अगर हम लोग पटना नहीं पहुंचेंगे, इक्का दुक्का स्टूडेंट रहेगा, 10, 20, 50, इससे नहीं होगा। दोस्तों, हम ज़्यादा विद्यार्थी रहेंगे, इसलिए ज़्यादा मतलब हम लोगों को मोटिवेट भी मिलेगा, ज़्यादा हिम्मत भी मिलेगा, और उसके आगे क्या करना है उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे।
तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप लोग अवश्य 4 मई को पटना में आवे। हालांकि ये प्रोटेस्ट दिल्ली में होने वाली थी, दिल्ली में कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ। बहुत दोस्तों का कहना है कि NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है तो हम लोग दिल्ली नहीं जा पाएंगे, इसलिए सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए पटना में 4 मई को प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग 4 मई को पटना अवश्य पधारें, वहाँ से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इसकी और जो भी होगा हम लोग वहीं पर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।